चलिए एक बार फिर हम आप लोगों के बीच जुड़ गए हैं और एक राउंड आपके बीच हम आप लोगों के बीच ले आ रहे हैं। ये विदाउट ऑप्शन है, यानी इसमें ऑप्शन नहीं होगा, है ना। इसमें हर तरह के सवाल होंगे, हर क्षेत्र से सवाल होंगे और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आपको सुनना है और जवाब देना है, और इसके लिए भी आपको हम देंगे 20 सेकेंड का समय, और ये भी पासिंग होगा पड़ोसी के लिए, है ना। लेकिन इसका रूल होगा कि ये अगर आप जवाब नहीं आता है तो नहीं देना है, क्योंकि अगर आप जवाब जबरदस्ती देते हैं तो आपके माइनस होंगे, और अगर चुप रहेंगे तो माइनस नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि गलत होने पर ही माइनस होगा, गलत नहीं होगा, चुप रहेंगे तो माइनस नहीं होगा, लेकिन बोनस में 5 अंक होगा। बोनस पड़ोसी टीम के लिए होगा, समझ गए। ये शुरू होगा अमित सोनवर्षा से, तो सभी तैयार हैं। -5 और प्लस, यानी बोनस में भी 5 लेकिन पर्सनल 10 अंक। तो अमित आप ऑन कीजिए, समझ गए हैं। तो अमित रंजन सोनवर्षा से आप ऑन कीजिए। अमित आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? अमित आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। अमित रंजन आप लेफ्ट हो गए हैं, तो चलिए अमित रंजन, विजय सर जुड़ गए हैं। इसके बाद विजय सर एक राउंड पूछेंगे, तो विजय सर जुड़ गए हैं, बहुत देर से लेफ्ट कर गए थे इसीलिए हमने आरंभ कर दिया है। तो अब इसके बाद विजय सर की बारी आएगी, तो आप विजय सर आप लेफ्ट नहीं करेंगे कृपया। चलिए तो अब अमित रंजन अभी लेफ्ट हैं, तो चलिए हम उनका वेट करेंगे। लेकिन अमित रंजन के बाद यानी हम शुभम कुमार रोहतास के पास चलते हैं। शुभम आप ऑन कीजिए। हाँ अमित आप ऑन हो गए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए हम दूसरे को दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी अमित रंजन आ चुके हैं। तो शुभम इसका इसके बाद आप इंतजार कर लीजिए, लेकिन आप शुभम तैयार रहिए, क्योंकि अगर ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम आपके पास आएंगे। तो अमित आपका सवाल शुरू होता है, और बहुत खूबसूरत सवाल, बिना ऑप्शन का सवाल। 15 सेकेंड आपके पास है, और 15 सेकेंड में जवाब देना है। आपका बेहतरीन सवाल है कि वर्तमान मंत्रिमंडल में शामिल उस कैबिनेट मंत्री को पहचानिए जो पूर्व में अमेरिका, चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं और भारत के विदेश सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं। वो कैबिनेट मंत्री कौन है? आपका समय शुरू होता है, बताइए। हाँ आपका समय शुरू है। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है वो जो अमेरिका, चीन के में राजदूत रह चुके हैं और विदेश सचिव के भी पद पर काम कर चुके हैं? आपके पास मात्र बहुत कम समय है, 7 सेकेंड है, बताइए जल्दी। एस जयशंकर, और समय भी समाप्त हो गया। आपने अंतिम में एस जयशंकर को लॉक किया, जो 100% गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, शानदार। यानी एस जयशंकर ही वो व्यक्ति हैं जो अमेरिका में भी, चीन में भी राजदूत भी भारत के रहे हैं, और वो मंत्री बनने से पहले भारत के विदेश सचिव के पद पर थे। तो आपको 10 अंक मिलता है अमृत रंजन, बहुत ही बेहतरीन जवाब, खूबसूरत जवाब। और इसके पास हम चलते हैं शुभम रोहतास के पास। शुभम आप ऑन कर लीजिए, अमित आप बंद कर लीजिए, और शुभम के पास तैयार रहेंगे दीपक कुमार। दीपक आप तैयार रहेंगे, आपको समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम शुभम के पास चलेंगे, और ये अगर जवाब नहीं दे पाए तो हम चलेंगे दीपक के पास। तो शुभम आपका सवाल शुरू होता है, बिना ऑप्शन का, मात्र 20 सेकंड के लिए। आपको बताना है कि जब विश्व कप क्रिकेट की बात होती है तो 1983 में कपिल देव द्वारा 175 रनों की नवाद पारी याद आती है। यानी कपिल देव ने 1983 में एक मैच में 175 रनों की नवाद पारी खेलकर इतिहास रचा था, और इसी के कारण भारत उस वर्ष विश्व कप ले जाने में सफल रहा था। आपको बताना है कि कपिल देव 175 रनों की ऐतिहासिक पारी 1983 के विश्व कप में किस देश के खिलाफ खेले थे, बताइए। शुभम कुमार आपका समय शुरू होता है, फाइनल जवाब दीजिए, बोलिए। वेस्ट इंडीज, आपने कहा वेस्ट इंडीज शुभम कुमार, और हम आपको बता दें कि आपका जवाब 100% गलत है, और हम मौका देते हैं दीपक को, बताइए फाइनल दीपक सही जवाब, और आपको मिलेंगे 5 अंक। जिम्बाब्वे, 100% राइट, बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की पारी खेली थी। तो शुभम आपको -5 और दीपक आपको +5, यानी दीपक ने कमाया और शुभम ने खो दिया। यही है रोमांच, इसी को कहते हैं अद्भुत रोमांच।
थोड़ा सा संयम भी चाहिए। ज्ञान की गरिमा अपने प्रकाष्ठा पर होती है और आप अपने ज्ञान को यहीं पर प्रकाष्ठा पर ले जा सकते हैं। तो शुभम का -5 अंक और दीपक को 5 अंक। तो चलिए दीपक, आपका पर्सनल सवाल तैयार है? दीपक का पर्सनल सवाल, 10 अंकों का सवाल। नहीं जानते होंगे तो चुप हो जाएंगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा, यह तय है। लेकिन अगर गलत जवाब देंगे तो आपको माइनस मिलेगा। आपको बताना है कि भारतीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष 1993 में कौन बने थे? बताइए, भारतीय मानवाधिकार के आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम। आपका समय शुरू होता है। HM दद्दू प्रथम अध्यक्ष थे। तो HM दद्दू गलत जवाब है। और इसके बाद हम मौका देते हैं आनंद कुमार को। आनंद कुमार को इसका जवाब गलत है। आनंद बताइए फाइनल सही जवाब। समय आपका जा रहा है आनंद, और यहां आपका समय खत्म होता है। आपने जो भी लॉक कराया वो गलत है। नहीं, वो भी गलत है। सही जवाब 1993 में सही जवाब था श्री रंगनाथ मित्र। दोनों में से किसी को जवाब नहीं। दीपक को -5 और आनंद आपको माइनस नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर हाँ तो अब आपको शायद मौका ना मिले। हालांकि गलत थे इसलिए हम चुप हो गए, लेकिन अब इस तरह की थोड़ी सी भी हरकत पता चलेगी तो बिना बोले रिमूव शिफ्ट होंगे। अपने ज्ञान की गरिमा को यहां स्थापित करना है। तो ये हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, और आप ध्यान में रखिएगा कि भविष्य आप ठीक रखें, नहीं तो रिमूव होने से नहीं बच पाएंगे। तो दीपक, हालांकि आपको माइनस मिल चुका है, अब आनंद आपका पहला यानी आपका पर्सनल सवाल आनंद का। चलिए आनंद, आप ऑन कीजिए माइक और कैमरा दोनों। दीपक को माइनस और आनंद को 0, ठीक है? आनंद आप कैमरा ऑन कीजिए। चलिए आनंद, आपका सवाल जा रहा है। कुछ ही दिन पहले शशांक मनोहर ने ICC का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। आपको बताना है कि शशांक मनोहर के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद ICC का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आपका समय शुरू होता है। बताइए, कैमरा ऑन रखिए। ICC का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आपका समय मात्र 6 सेकेंड बचे हैं। फाइनल जवाब। आपका समय खत्म हो गया और आपने जवाब नहीं दिया। हालांकि आपको माइनस नहीं होगा, हमने कहा था जवाब नहीं देंगे तो माइनस नहीं होगा, लेकिन आपको 0 मिलेगा, यानी इसमें एक भी अंक आपको नहीं मिला है। लेकिन हम चलेंगे आनंद के पास। गौतम मुजाहिदपुर, जल्दी ऑन कीजिए, समय बहुत कम देंगे गौतम आपको। अगर आप जल्द ऑन नहीं करेंगे तो फिर चलिए बताइए, गौतम मनोहर, शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया? आपके पास मात्र 15 सेकेंड है। पास। चलिए, तो दोनों में से किसी को सही जवाब नहीं दिया। तो हालांकि दोनों को 0 अंक मिला है क्योंकि गलत जवाब किसी ने नहीं दिया। तो दोनों को 0 अंक मिला है और सही जवाब है इमरान ख्वाजा। कुछ ही दिन पहले की घटना है कि शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इमरान ख्वाजा को अंतरिम अध्यक्ष के पद पर बहाल किया गया था। तो चलिए, आपका आनंद ये सवाल था। अब गौतम मुजाहिदपुर, आपका पर्सनल सवाल। आप ऑन कीजिए माइक और कैमरा दोनों। माइक और कैमरा ऑन कीजिए। गौतम, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। देखिए, तकनीकी कारणों से भी कुछ लोग निकल रहे हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आप तकनीक को ठीक रखिएगा।
गौतम आप नहीं आ पा रहे हैं, गौतम जल्द से जल्द आप आइए। चलिए हम चलते हैं गौतम के बाद ब्रजेश के पास। ब्रजेश आप ऑन कीजिए माइक कैमरा दोनों। ब्रजेश आप आ जाइए। हाँ कैम ठीक है। अब आपका सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और आप जानते हैं कि अगर गलत देंगे तो -5 होगा, नहीं देंगे छोड़ देंगे तो 0। तो आपको बहुत बेहतरीन सवाल आपका जा रहा है कि आप बताइए कि विश्व कप का एक मैच, विश्व कप क्रिकेट का एक मैच आपके बिहार में भी हुआ था। विश्व कप क्रिकेट का एक मैच 1996 में यानी 1996 में एक मैच पटना के मोनियुल हक स्टेडियम में हुआ था। यह मैच किन दो देशों के बीच हुआ था बताइए, फाइनल जवाब। ये क्रिकेट के विश्व कप का एकमात्र मैच जो बिहार के मोनियुल हक स्टेडियम में हुआ था। आपका समय शुरू है, 20 सेकंड आपके पास, फाइनल जवाब दीजिए। दस सेकंड आपके पास मात्र, पास हैं तो चलिए आपको 0 अंक मिलेगा। हम चलते हैं डायरेक्ट राजेश के पास। राजेश आप ऑन कीजिए और जल्दी से बताइए कि बिहार का एकमात्र 1996 में पटना के मोनियुल हक में हुआ था वो किन किन देशों के बीच मैच हुआ था, जल्दी बताइए। आपके पास मात्र 15 सेकंड है, आपका माइनस नहीं होगा, बोनस में माइनस नहीं होगा, जल्दी बताइए। 8 सेकंड बचा है आपके पास, आपका समय समाप्त। राजेश आपने भी जवाब नहीं दिया, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया और वो बेहतरीन मैच कुछ और का नहीं बल्कि जिम्बाब्वे बनाम केनिया का था और वो एकमात्र विश्व कप क्रिकेट का मैच जो अपने बिहार में हुआ है, मोनियुल हक स्टेडियम में हुआ था 1996 को। तो दोनों को 0 अंक, ब्रजेश और राजेश दोनों को अभी 0 अंक। और अब राजेश आपका पर्सनल सवाल, अगर उसके बाद गौतम जुड़ेंगे तो उनसे सवाल होगा, नहीं तो फिर हम सवाल उनसे नहीं करेंगे। राजेश आपका बेहतरीन सवाल है और अगर आप चूकेंगे तो ये मौका मिलेगा अमित सोनवर्षा को। तो राजेश आप ऑन कीजिए तो वीडियो, आपका माइक ऑन है लेकिन कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा आप ऑन करेंगे तब आपका सवाल होगा, थोड़ा कैमरा को ऑन करके रखिए, आप लोग तो जानते हैं तकनीक को। राजेश दिख नहीं रहे हैं, हाँ चलिए राजेश आपका सवाल जा रहा है। आपको बताना है राजेश कि अभी वर्तमान में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल के पद पर कौन है, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल के पद पर कौन है, आपका समय शुरू। दस सेकेंड लेफ्ट, सॉलिसिटर जनरल हम कुछ नहीं अभी बताएंगे, बताइए आप फाइनल जवाब। तुषार मेहता को लॉक करेंगे, तुषार मेहता को आपने लॉक कर दिया और समय भी खत्म हो गया आपका। और मुकुल रोहितगी का आप नाम सुने होंगे लेकिन मुकुल रोहितगी अभी अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं और सॉलिसिटर जनरल के पद पर हैं तुषार मेहता, बिल्कुल सही जवाब। और आपको 10 अंक मिले हैं, बहुत अच्छे, शानदार, बेहतरीन। तुषार मेहता ही अभी सॉलिसिटर जनरल हैं और अटॉर्नी जनरल हैं मुकुल रोहितगी, तो आपने सोचा समझा और जवाब दिया इसलिए आपको मिला है 10 अंक। तो आपको बेहतरीन जवाब देने के लिए बहुत बहुत बधाई और हम